17.6 विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। CaOH होल ट्वाइस सॉलिड बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू CaOCl2 सॉलिड विरंजक चूर्ण प्लस H2O गैस। यह पीलापन लिए हुए एक सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। वायु में खुला छोड़ने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। CaOCl2 सॉलिड प्लस CO2 गैस इज इक्वल टू CaCO3 सॉलिड प्लस Cl2 गैस। द्वारा गर्म गैसें तथा दूसरे के द्वारा क्लोरीन गैस प्रवेश करती है। अपशिष्ट गैसों के निकलने के लिए एक द्वार होता है। यहाँ क्लोरीनीकरण टावर के आंतरिक भाग को दर्शाया गया है। इस टावर में विभिन्न ऊंचाइयों पर 8 खंड होते हैं जो घूर्णी प्लेट से जुड़े रहते हैं। हॉपर से बोझा चूना तथा निचले द्वार से क्लोरीन गैस भेजी जाती है। क्लोरीन गैस ऊपर की ओर उठकर बुझे चूने से अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। ब्लीचिंग पाउडर संयंत्र के निचले भाग में एकत्रित होता है जबकि अपशिष्ट गैसें ऊपरी द्वार से बाहर निकल जाती हैं। 17.6.1 उपयोग यूजेस। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में। विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है। दूसरा, कागज उद्योग में कास्ट लुगदी के विरंजन में। तीसरा, पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में। 17.7 सीमेंट। सीमेंट भवन निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने या चिपकाने वाला। सीमेंट को सबसे पहले जोसेफ ऑस्पडिन ने बनाया। उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा क्योंकि इसकी कठोरता पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थरों जैसी थी। सीमेंट रासायनिक यौगिक नहीं है। यह अनेक रासायनिक यौगिकों जैसे कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। अतः इसका संगठन तथा रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता और न ही इसके गुणधर्म निश्चित होते हैं। उदाहरण, सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता है। सीमेंट का प्रतिशत संगठन इस प्रकार है। जब इस मिश्रण का महीन पाउडर जल के संपर्क में आता है तब वह कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। 17.7.1 सीमेंट का निर्माण मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल के रूप में चूना पत्थर CaCO3 चिकनी मिट्टी क्ले तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी में एल्यूमिनियम सिलिकन और आयरन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं। उसमें चूने का पत्थर CaCO3 मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का निर्माण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। पहला, 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीस कर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापक्रम 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दूसरा, 1100 डिग्री सेल्सियस पर चूने के पत्थर का तापीय वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaCO3। 1100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर CaO प्लस CO2। तीसरा, कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से क्रिया करता है।
ट्वाइस CaO प्लस SiO2 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ट्वाइस CaO इंटू SiO2 डाई कैल्शियम सिलिकेट, थ्राइस CaO प्लस SiO2 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर थ्राइस CaO इंटू SiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, थ्राइस CaO प्लस Al2O3 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर थ्राइस CaO इंटू Al2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 4 CaO प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर 4 CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, चौथा भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों गोली के रूप में प्राप्त होता है जिसे क्लिंकर कहते हैं, पांचवा क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O मिलाया जाता है और मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है। 17.7.2 सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को रेत और पानी के साथ मिलाकर रखने से यह पत्थर के समान कठोर हो जाता है। सीमेंट के जमने की गति को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए आजकल उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट राख जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं से भी सीमेंट बनाया जाता है। कई देशों में धान के कोढ़े भूसे की राख का भी उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। 17.7.3 छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में सीमेंट उद्योग हैं, रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार।